हम यहाँ हमारा बच्चा खो गया है, हम लोग इतने परेशान हैं, बहुत उसके मम्मी की रो रो के हालत खराब है और आप है कि बच्चे को ढूंढने के बजाय सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो। देखिए मैडम, क्या देखिए, हाँ क्या देखिए, आप जरा अपनी वाइफ को समझाइए। ये मेरी वाइफ है। अब आप देखना, मैं आपके लिए ऐसी शायरी बनाऊंगी कि दिसंबर की ठंडी में पसीना छूट जाएगा। Just wait and watch. अंजलि कैसी भी शायरी लिखे, सलाद से तो बेटर होगी। ऐसे सुनो, एग्जाम्स सर पर है। सर पर है मतलब एग्जाम्स अभी नजदीक है। चल तू मुझे बता कि ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने। म्यूजिक। हंसने की बात तो ठीक है, लेकिन घर जाकर भोलेपन में अपनी अपनी बीवियों को कुछ बता मत देना वरना। अरे जेठालाल, हम में से तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बताएगा, है ना? लेकिन तुम कहीं जोश में आके बबीता जी को मत बता देना। भाई ऐसी नटू काका, मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे क्या मालूम। आपकी पगार बहुत कम है नहीं? आज पता चला। और आपको एक साथ में 20 लाख रुपया मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सामने ही नटू इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की नई दुकान चालू कर दूं। दुकान खोल के यहाँ भी तो बैठ के मक्खी मारते हो ना? यहाँ आपकी मक्खी मारता हूँ, सामने बैठ के मेरी मक्खी मारूंगा। दही खाकर एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 में से 200 मार्क मिलेंगे। और छाछ पी के गया तो 100 में से 150 मार्क मिलेंगे। क्यों? क्यों क्या, ये दही में पानी आ गया ना तो 50 कम। न्यूटन मेरा जैसा एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल आपका बड़े साइंटिस्ट हो।